प्रस्तुतकर्ता नया दंत कांति सेंसिटिव दांतों की सेंसिटिविटी में दे इंस्टेंट रिलीफ। प्रायोजक पतंजलि गाय का देसी घी खाएं, मिलावट के जहर से अपने मासूम बच्चों व परिवार को बचाओ। कामधेनु नेक्स्ट डबल रिम टीएमटी बार, नेक्स्ट जनरेशन इंटरलॉक स्टील और पतंजलि दिव्य जल, देश का पानी हर बूंद में शुद्धता। पीएम मोदी ने दिल्ली के प्रगति मैदान में इंटीग्रेटेड ट्रांजिट कॉरिडोर का किया उद्घाटन। 920 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है 6-लेन टनल। अग्निपथ योजना को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर हुई हाई लेवल मीटिंग, तीनों सेनाओं के प्रमुख रहे मौजूद, 2 बजे करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। अग्निपथ योजना की नई जानकारी, अग्निवीरों को ट्रैवल, मेडिकल, कैंटीन की मिलेगी सुविधा, 48 लाख का बीमा कवर, एक मुश्त मिलेंगे करीब 12 लाख रुपए। महाराष्ट्र के कई इलाकों में झमाझम बारिश, बारिश की मस्ती में झूमे मुंबई वासी, नरीमन पॉइंट मुलुंड दादर में बारिश का मजा लेते नजर आए मुंबई कर। असम में बाढ़ का कहर जारी, 28 जिलों में करीब 19 लाख लोग प्रभावित, अब तक 30 लोगों की मौत, पीएम मोदी ने हर संभव मदद का दिया भरोसा। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का जी बिजनेस के इस बेहद खास बुलेटिन में, और खास इसलिए क्योंकि मौसम का मिजाज बदला है, मौसम का मूड बदला है, और जब मूड बदला है तो जाहिर सी बात है कि न्यूज़ का मूड भी बदलना चाहिए, और यही वजह है कि हम और हमारी पूरी टीम आपके लिए इस मानसून के बदलते हुए मिजाज के बीच से लेकर आए हैं तमाम खबरें। हमारा फोकस जाहिर सी बात है मानसून की खबरों पर होगा, और उसमें भी मुंबई का मानसून। जी हाँ, मुंबई और महाराष्ट्र में मानसून ने दस्तक दे दी है, और जैसा कि आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये मानसून इस वक्त हर मुंबई वासी को पूरी तरह से तरबतर कर रहा है, मौसम का मजा लेते हुए लोग नजर आ रहे हैं, और हम भी आप तक तमाम खबरें इसी मौसम के बीच आपको दिखाएंगे। और जो तस्वीरें आप इस वक्त आप देख रहे हैं, आप देख सकते हैं नरीमन पॉइंट की तस्वीरें, दादर की तस्वीरें, मुलुंड की तस्वीरें। जी हाँ, ये तीन इलाके मुंबई के ऐसे इलाके हैं जो इस वक्त बारिश में पूरी तरह से डूबे हुए हैं, झमाझम बारिश यहाँ पर हो रही है, और बारिश की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से लोग बारिश के बीच जमकर नाच रहे हैं। जी हाँ, यही मुंबई है। मुंबई जब मानसून का स्वागत करती है तो किस तरह से करती है, आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग पूरी तरह से मस्ती में सराबोर हैं, लोग नाचते गाजते इस वक्त मानसून का आगमन का इंतजार कर रहे हैं। नरीमन पॉइंट हो, मुलुंड का इलाका हो, दादर, ये तीन इलाके जो हैं यहाँ पर लोग इस वक्त पूरी तरह से नज़र आ रहे हैं। लोग मानसून का जो कहते हैं स्वागत करने के लिए पहुंचे नरीमन पॉइंट। नरीमन पॉइंट वो इलाका है जिसे आप मरीन ड्राइव के तौर पर ज़्यादा जानते हैं, मरीन ड्राइव जहां समंदर का किनारा, वहां पर इस वक्त लगातार लोग आनंद ले रहे हैं। और मेरे सहयोगी मनोज कुलकर्णी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं नरीमन पॉइंट से। मनोज, हम जो तस्वीरें देख रहे हैं वो बता रही है कि मुंबई वासी पूरी तरह से स्वागत कर रहे हैं जोर शोर से मानसून का, ज़रा हमारे दर्शकों को तस्वीरें दिखाइए। जी बिल्कुल, आज सुबह जब मुंबई में बारिश हुई तो इसका मजा पूरे मुंबई कर ले रहे हैं, और खासकर नरीमन पॉइंट का ये जो इलाका है, ये इलाके में जो बारिश होती है ये बारिश देखने लायक होती है, और इस क्षण को अपने मन में रखने के लिए यहाँ पे ये सब लोग आते हैं। आप देख सकते हैं कैसे झूम उठ रहे हैं क्योंकि सुबह से बारिश हो रही है, और जैसे पता चला है कि मुंबई के नरीमन पॉइंट में और ज़्यादा बारिश हो रही है, तो इसका आनंद लेने के लिए मुंबई के उपनगरों से यहाँ पे लोग आने लगे हैं। मेरे साथ यहाँ से चेंबूर से आए हुए कुछ लोग भी हैं मुंबई कर, उनसे भी पूछते हैं कहाँ से आए हैं आप और क्या लगता है बारिश का ये मौसम है, किस तरीके से एंजॉय कर रहे हैं? नहीं, ये पहली अच्छी बारिश हो रही है मुंबई में, तो मैं अपने छोटू को लेके, अपनी फैमिली को लेके सी साइड आया हूँ। हम मुंबई के चेंबूर के रहने वाले हैं,
और आज का वेदर देख के हमने सडनली डिसीजन लिया कि थोड़ा सी साइड जाते हैं और मरीन ड्राइव में मानसून का मजा लेते हैं। पिछले कुछ दिनों से बहुत ही गर्मी पड़ी थी और मानसून भी लेट हुआ था, आज मानसून आ गया है, कैसा महसूस कर रहे थे? नहीं, वेदर तो बहुत ही अच्छा हुआ है, नो डाउट। काफ़ी ठंडा मतलब बदलाव आया है, जो गर्मी थी वो भी कम हो गई है, और अगर ऐसे ही दो तीन दिन अच्छी बारिश चलती रही तो वेदर और भी बेहतरीन हो जाएगा मुंबई में। तो बस हम तो मौसम का मजा ले रहे हैं फिलहाल। मौसम का मजा ले रहे हैं, और कुछ मुंबई कर है क्या बताएंगे, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा है यहाँ पे, मौसम इतना खुशमुसार है कि बहुत ही मजा आ रहा है। अभी दो तीन दिन ऐसी बारिश चल रही है तो बहुत मजा आएगा, और ये मेरा बच्चा है यहाँ पे, उसको खेलने के लिए बहुत मजा आता है आज बारिश के लिए। जैसे कि आपने देखा कि बारिश है और बारिश में नाच गाना करना, एंजॉय करना, ये सब मुंबईकर करते हैं, हर साल करते हैं, लेकिन इस बार बारिश लेट हुई है, लेकिन फिर भी लेट हुई तो क्या हुआ, एंजॉय तो करना है मुंबईकरों का, और ये मुंबईकर इस तरीके से एंजॉय कर रहे हैं। ये जो दृश्य है आप देख सकते हैं किस तरह से लोग एंजॉय कर रहे हैं। मनोज, भले बारिश देर से हुई लेकिन बड़े सही दिन हुई, रविवार का दिन, छुट्टी का दिन, जब सड़कों पर ट्रैफिक नहीं और जितने समंदर किनारे के इलाके हैं वहाँ पर लोगों को पहुँचने में बड़ी आसानी हुई, और जैसे ही बारिश हुई लोग पहुँचे। ज़रा हमारे दर्शकों को नरीमन पॉइंट और मरीन ड्राइव का वो दृश्य दिखाएं, वो समंदर का इलाका दिखाएं, पूरी धुंध छाई हुई है। जी बिल्कुल, ये तो हो गए यहाँ के जो टूरिस्ट आए हुए हैं, मुंबईकर आए हुए हैं, ये देख सकते हैं, लेकिन बाजू में जो है वो समुन्दर का नज़ारा देख सकते हैं, आगे राजभवन है उसका भी नज़ारा यहाँ से देख सकते हैं, जो बहुत ही नयन रम्य है, मनोहरकारी है, मनोहर है, नयन मनोहर दिख रहा है। और यहाँ पे जो ये जो नरीमन पॉइंट का इलाका है जहाँ पे स्पेशली लोगों को टहलने के लिए किया हुआ है, और इस पे ये लोग जो है इसका आनंद उठाते हुए, लुत्फ उठाते हुए देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि सुबह 10 बजे के बाद से ये जो बारिश शुरू हुई थी, ये बारिश अभी भी शुरू है, कभी जोर से होती है, कभी धीरे से होती है, लेकिन इसका आनंद लेने के लिए यहाँ पे सब लोग आए हुए हैं, और जैसा जैसा दिन जाएगा वहाँ वैसे वैसे यहाँ पे लोगों की भीड़ भी बढ़ती जाएगी, क्योंकि आज संडे है और संडे का फंडे के मनाने के लिए यहाँ पे लोग आए हुए हैं, और यही आप यहाँ पे सब देख सकते हैं। बिल्कुल मनोज, एक चीज और समझना चाहेंगे, जब बारिश मुंबई में आती है तो बहुत सी पोल भी खुल जाती है, ऐसे में क्या विशेष तैयारियां बीएमसी ने की हैं, और किस तरह से इन इलाकों में, जाहिर सी बात है जहां हाई टाइड का खतरा रहता है वहां पर भी सुरक्षा के इंतजाम होने चाहिए? जी बिल्कुल, यहां पे पोल खोल भी होती है, क्योंकि अभी तो बारिश की शुरुआत हुई है, लेकिन जब जोर से बारिश होती है और हाई टाइड रहता है समुन्दर को, उस टाइम पे जब बारिश होती है तो जो मुंबई का पानी है वो सब समुन्दर में जाता है, और हाई टाइड होने की वजह से वो समुन्दर में जाने वाला पानी जो रहता है उसको रोक दिया जाता है, और उसी की वजह से ऊपर से बारिश होती है तो पानी पूरी जगह पे भर जाता है, और इसी के लिए जब हाई टाइड होती है तो समुन्दर के किनारे पे बीएमसी ने लाइफ गार्ड भी लगा के रखे है, वो जो रहते हैं वो समुन्दर में जाने के लिए जो टूरिस्ट रहते हैं उनको जाने से मना भी करते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है, हाई टाइड में कम ज़्यादा लहर हो जाती है और लोगों का अंदाजा नहीं आ जाता, इसकी वजह से वो अंदर जाते हैं और बहुत बड़ी दुर्घटना होती है। हाल ही में 2 बार ऐसा हो चुका है, लेकिन अभी बीएमसी यहाँ पे अलर्ट हो चुकी है, और ऐसा ना हो इसके लिए जो लाइफ गार्ड है वो 24 आवर्स समुन्दर के किनारे पे मुस्तैदी तमाम व्यवस्थाएं अपनी ओर से कर रही हैं। मनोज, एक चीज और आपसे चलते चलते चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों तक वो तस्वीरें पहुंचाएं, किस तरह से आप मुंबई कर इस बारिश को एंजॉय करता है चलते चलते, जरा वो तस्वीरें दिखा दें। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे आप देख सकते अभी अभी सिर्फ बारिश कम हुई है, तो यहाँ का जो नज़ारा रहता है वो अपने मोबाइल में कैद कर रहे हैं, कोई सेल्फी ले रहा है, कोई अपने साथ आए हुए लोगों के फोटो निकाल रहे हैं, ये सब नज़ारा यहाँ पे दिखता है। ये देखो, एक फैमिली है खासकर चेंबूर से आई हुई है, क्योंकि नरीमन पॉइंट में जब बारिश होती है तो इसका जो नज़ारा रहता है वो नज़ारा देखने लायक रहता है, और इसी के लिए ये लोग आए हुए हैं। ये जो पूरे पूरा जो ये बैठने के लिए किया हुआ है यहाँ पे, यहाँ से लेके पूरा जो गिरगांव चौपाटी तक है वहाँ पे पूरी तरह से भरा हुआ, लोगों से भरा हुआ, लोग आनंद का लेते हुए देखने को मिल रहे हैं।
बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे मनोज आपका। हमारे दर्शकों तक आपने जो तस्वीरें पहुंचाई हैं, वो तस्वीरें जो इस वक्त देश के अलग अलग हिस्सों में जी बिजनेस पर दर्शक देख रहे होंगे, उन्हें देखकर वो आनंदित हो रहे होंगे। कुछ इलाकों में मानसून नहीं पहुंचा है, लेकिन जो लोग भी अपने घर पर बैठे आज रविवार को ये तस्वीरें देख रहे होंगे, उन्हें ये बारिश रात पहुंचा रही होगी। और थोड़ा इंतज़ार करिए, जैसे सभी ने सब्र किया है, देर सवेर हर इलाके में मानसून पहुँचेगा। और मुंबई कर आज अपने अपने जो अपने घरों से बाहर नहीं निकले हैं, जो घर में बैठे बारिश का आनंद ले रहे हैं, वो अपने घरों पर भजिया पकौड़े और अपनों के साथ एक आनंद भरे माहौल में यहाँ पर मौजूद हैं। और उन सभी को मानसून मुबारक का, ये मानसून सबके लिए सुख समृद्धि लाए। और इस मानसून से कहीं ना कहीं जो कहते हैं कि एक नया साइकिल शुरू होता है किसी भी एक खेतिहर का, वो भी उसके जीवन में समृद्धि लाए, यही बात हम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज हमसे जुड़ने के लिए। और चलिए बढ़ते हैं आगे, तो जहाँ कहीं ये बारिश एक तरह से राहत ला रही है, मानसून की बात की जा रही है, वहीं देश का एक ऐसा हिस्सा है असम, जहाँ पर ये बारिश आफत बनकर आई है, वहाँ सैलाब आया हुआ है। सड़क पर समंदर जैसा नजारा, घरों में घुसा बाढ़ का पानी, सड़कों पर रहने को मजबूर लोग, नाव के सहारे चल रही जिंदगी। असम में हाल बेहाल है, जल प्रलय ने पूरे सूबे को लगभग डुबो सा दिया है। आलम यह है कि लाखों लोगों का घर तालाब बन गया है, सड़कें डूब गई हैं, लोग किसी तरह बच बचा कर ऊंची जगहों तक जाना चाह रहे हैं। राज्य सरकार के आंकड़ों की माने तो पूरे प्रदेश में करीब 11 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। प्रदेश की ज्यादातर नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। यहां पर उदियाना गांव का ये स्थिति बनी हुई है, जहां पर आप देख सकते हैं कि कितना पानी भर चुका है गांव में। पूरे आसपास में जितने भी नदी है असम में, सारे नदियों में पानी डेंजर लेवल से ऊपर में बह रहा है, यहाँ तक कि ब्रह्मपुत्र भी अपने उफान पर है। ऐसी स्थिति में लोग अपने घर बार छोड़कर सुरक्षित स्थानों की तरफ भाग रहे हैं। अभी तक जो बताया जा रहा है सरकार की तरफ से, करीब 11 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। असम में बहने वाली सबसे बड़ी नदी ब्रह्मपुत्र उफान पर है, ऊपर से मूसलाधार बारिश ने मुसीबत बढ़ा दी है। लोग अपने घरों को छोड़कर सड़कों पर आ गए, लेकिन बारिश ने सड़क पर भी परेशानी बढ़ा दी। ये तस्वीरें असम से निकलने वाले NH-31 की है। आपको देखकर लगेगा कि मानो किसी नदी के किनारे की तस्वीर है। कुछ लोग हैं जो हाईवे में आके शरण लिए हुए हैं। ऐसे ही आप देख सकते हैं कि ऐसे टेंट बनाया गया है, प्लास्टिक का टेंट बना के यहीं पे इनका गुजारा हो रहा है और यहीं पे खाना बन रहा है। और हाँस मुर्गी जो है घर में, गाय भैंस जो है, बकरी है, इनको भी ये हाईवे के ऊपर ही लेके यहाँ पे शरण लिए हुए हैं, क्योंकि अभी तक यहाँ पर रिलीफ कैंप नहीं बना है। और ऐसे ही कठिन स्थिति में पिछले 3-4 दिन से ये लोग यहाँ पे रह रहे हैं। ये तस्वीरें असम से निकलने वाले NH-31 की है। आपको देखकर लगेगा कि मानो किसी नदी के किनारे की तस्वीर है। अमूमन नेशनल हाईवे को ऊंचा रखा जाता है, लेकिन असम में जल प्रलय का आलम यह है कि हाईवे का एक हिस्सा भी डूब गया है, जिस कारण रसद जैसी जरूरी चीजों को लाने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सौमित सेन गुप्ता, जिमी। तो आपने देखा कि किस तरह से मानसून कहीं एक तरह से राहत बनकर आया, तो कहीं आफत बनकर आया। असम की तस्वीरें आप देख रहे थे। और अब चलिए कुछ और अहम खबरों की ओर बढ़ते हैं। बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जिन्होंने दिल्ली में ट्रांजिट कॉरिडोर परियोजना, जो कि दिल्ली के प्रगति मैदान में उन्होंने आज इसकी मुख्य सुरंग और 5 अंडरपास का वहां पर उन्होंने उद्घाटन किया। ये बड़ी अहम परियोजना है जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। आपको बता दें ये परियोजना प्रगति मैदान रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट का एक अभिन्न हिस्सा बताई जा रही है। इसके अंडरपास को राष्ट्र को समर्पित किए जाने के कार्यक्रम के दौरान PM ने बताया कि इस इंटीग्रेटेड ट्रांजिट कॉरिडोर परियोजना की कुल लागत 920 करोड़ से अधिक आई है। अनेक मुसीबतें पैदा होती हैं देश को आगे ले जाने में, इस प्रोजेक्ट को भी वैसी कठिनाइयों से गुजरना पड़ा, लेकिन ये नया भारत है,
समस्याओं का समाधान भी करता है, नए संकल्प भी लेता है और उन संकल्पों को सिद्ध करने के लिए हर निष्प्रयास करता है। और चलिए अब आपको एक बड़ी दिलचस्प तस्वीर दिखाते हैं। आपने देखा इस परियोजना का उद्घाटन हुआ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि इसकी क्या खासियत है। अब जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये तस्वीर दरअसल टनल के अंदर की है, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के इस टनल में, इस अहम परियोजना में टनल के अंदर सफाई भी की। आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस टनल के अंदर सफाई की। ये परियोजना काफ़ी बड़ी है और एक तरह से हर बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तरह से उदाहरण प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं देश के सामने, राष्ट्र के सामने, कि किस तरह से हमारी अहम जिम्मेदारी है किसी भी व्यवस्था को बेहतर बनाए रखने के लिए एक राष्ट्र के तौर पर, एक राष्ट्र सेवक के तौर पर। वही करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस टनल के अंदर पहुंचे और इन्होंने टनल के अंदर खुद से सफाई की। तो आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के प्रगति मैदान में ट्रांजिट कॉरिडोर परियोजना की जो मुख्य सुरंग है, जो आप देख रहे हैं ये जो मुख्य टनल है, उसके अंदर वो पहुंचे और इसके बाद यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस नवनिर्मित टनल के अंदर सफाई की। मुख्य सुरंग है, इसके अलावा 5 अंडरपास है जिसका उद्घाटन किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ये परियोजना प्रगति मैदान रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट का एक अभिन्न हिस्सा बताई जा रही है। इसके अंडरपास को राष्ट्र को समर्पित किए जाने के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे और इस दौरान उन्होंने जिस बात का जिक्र किया वो ये बड़ी अहम रही। उन्होंने कहा कि इस इंटीग्रेटेड ट्रांजिट कॉरिडोर परियोजना की जो कुल लागत है वो 920 करोड़ से अधिक आई है, लेकिन लागत से ज़्यादा समर्पण की बात है और समर्पित चूँकि राष्ट्र को हो रहा है, ऐसे में ज़रूरी है कि हम अपनी एक जिम्मेदारी निभाएं। हम जो भी बड़ी परियोजनाएं हैं, जो भी सार्वजनिक वस्तुएं हैं, उनको नुकसान न पहुंचाएं बल्कि उनके संरक्षण की ओर काम करें। और प्रधानमंत्री ने इस टनल की सफाई करके एक तरह से उदाहरण पेश किया। और लगातार जिस बात की चर्चा है अग्निवीरों की भर्तियों की, उसको लेकर जो सेना है उसने नया गाइडलाइन जारी की है और ये गाइडलाइन जो है वो बहुत सारी फायदों के साथ सामने आ रही है। तो आपको बता दूं फटाफट कि तीनों सेनाओं में सबसे पहले एयरफोर्स ने ही ये गाइडलाइन जारी की है। इसके मुताबिक अग्निवीरों की सैलरी के साथ ही हार्डशिप अलाउंस, इसके अलावा यूनिफॉर्म अलाउंस और कैंटीन सुविधा और मेडिकल सुविधा भी उन्हें मिलेगी, जैसा कि एक रेगुलर सैनिक को मिलती है। तो इसके साथ ही साल में 30 दिन छुट्टी मिलेगी और मेडिकल लीव अलग है इसमें से। अगर आपको किसी तरह की मेडिकल इमरजेंसी होती है तो उसकी लीव अलग है। अग्निवीरों का कुल 48 लाख का इंश्योरेंस होगा, बीमा 48 लाख का होगा। ड्यूटी पर वीर गति को प्राप्त होते हैं तो एक मुश्त सरकार की तरफ से 44 लाख दिए जाएंगे और सेवानिधि पैकेज होगा इसमें। इसके अलावा जितनी नौकरी बची है उसकी पूरी सैलरी दी जाएगी और तमाम जो हैं वो, ये जो व्यवस्था है वो अभी जो गाइडलाइन जारी की गई है वो तीनों सेनाओं में से सिर्फ वायुसेना यानी इंडियन एयरफोर्स की ओर से जारी की गई है। और चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं बुलडोजर के क्रेज की। जी हाँ, यूपी में बुलडोजर जो है वो अवैध निर्माण पर चल रहा है, लेकिन ये बन गया है एक तरह से सिंबल आजकल वायरल होने का। यही वजह है कि यूपी के बहराइच में एक बड़ी दिलचस्प तस्वीर सामने आई। यहाँ पर एक दूल्हा अपनी बारात लेकर बुलडोजर में पहुंचा। जी हाँ, यूपी में बुलडोजर का क्रेज जिस तरह से लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है, उस आप वीडियो में देख सकते हैं। एक दूल्हा बुलडोजर पर अपनी बारात ले जाता दिखाई दिया। बुलडोजर पर निकली इस बारात को देखने के लिए आसपास लोगों की एक तरह से भीड़ जमा हो गई। इस भीड़ ने कहीं ना कहीं उत्साह बढ़ाया इस दूल्हे का। बहराइच जिले के रिसिया ब्लॉक का एक इलाका है लक्ष्मणपुर शंकरपुर। यहाँ के रहने वाले सलीम की बेटी रूबीना का निकाह श्रावस्ती के बादशाह के साथ तय हुआ था। बारात के लड़की के घर पहुँचने से पहले बुलडोजर पर दूल्हे को बिठाकर चौराहे पर घुमाया गया। बुलडोजर पर निकली बारात को देखने के लिए चौराहों पर लोगों की भीड़ जमा हो गई, जो आप देख सकते हैं।
चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं ऑनलाइन जो फ्रॉड हो रहा है उसकी, या जो डिजिटल फ्रॉड हो रहा है उसकी। तो फ्रॉड में आमतौर पर ये होता है कि आपका OTP या आपकी जो कार्ड है उसकी स्कैमिंग, ये सारी चीज़ें आपने कार्ड के अलग अलग तरीकों के बारे में जानी जो होती हैं आमतौर पर फ्रॉड पे। लेकिन एक नया तरीका है जहाँ पर ना तो OTP आपके पास आएगा, ना किसी तरह के ट्रांजेक्शन की कोई डिटेल का मैसेज आपके पास आएगा, लेकिन फिर भी आपके खाते से पैसे उड़ा लिए जाएंगे। ये रिपोर्ट देखिए। अब तक आपने मोबाइल क्लोनिंग, फिशिंग, हैकिंग और OTP के जरिए ठगों की करतूतों को देखा सुना होगा, लेकिन सच्चाई यही है कि जालसाज हमारे आपके सोचने से दो हाथ आगे की सोचते हैं, जिसकी एक वानगी है सिम स्वैपिंग। ये एक ऐसी तकनीक है जिसके जरिए किसी के सिम कार्ड का डुप्लीकेट कार्ड तैयार किया जाता है और जालसाजी को अंजाम दिया जाता है। ताज़ा मामला मुंबई से जुड़ा हुआ है, जिसमें एक कारोबारी के खाते से 2.25 करोड़ की रकम को सिम स्वैपिंग के जरिए कोलकाता के एक ठग ने साफ कर दिया। आपको बताते हैं कि कैसे ठग सिम स्वैपिंग से जुड़ी जालसाजी को अंजाम देता है। सबसे पहले ठग किसी के फोन की सिम को ब्लॉक कराते हैं, फोन का नेटवर्क गायब हो जाता है। इस दौरान ठग उसी नंबर पर सिम स्वैप के तहत एक नया सिम ले लेते हैं। नेटवर्क गायब होने पर ठगी के शिकार व्यक्ति को शुरुआत में लगता है कि ये नेटवर्क इशू है, लेकिन बाद में पता चलता है कि उसका सिम डेड हो चुका है। जब तक वो कुछ समझ पाता है, उसके बैंक खाते में पड़ी रकम पर जालसाज हाथ साफ कर चुका होता है। इस तरह के फ्रॉड में सारा खेल OTP से जुड़ा होता है। इसमें पैसे निकलने का कोई मैसेज भी आपको नहीं मिलता। इस तरह की ठगी के ज्यादातर मामलों में स्कैमर के पास ठगी के शिकार व्यक्ति की बैंकिंग ID और पासवर्ड होता है। अब बस उन्हें OTP की जरूरत होती है। सिम स्वैप होते ही बैंक का OTP नए सिम पर आता है। ठग OTP की मदद से दूसरे खातों में अपनी रकम ट्रांसफर कर लेता है। ऐसी ठगी का शिकार वो लोग ज्यादा होते हैं जिनका बैंकों से रोजाना लाखों में लेन देन होता है, या जिनके बैंक खाते को कोई और मैनेज करता है। साथ ही जालसाज ठगी के लिए ऐसे दिन को चुनते हैं जिसके आसपास या अगले दिन छुट्टी हो, ताकि पीड़ित पक्ष तत्काल कोई एक्शन नहीं ले सके। सिम स्वैपिंग से बचने के तरीकों की बात करते हैं। सबसे पहले सिम के नेटवर्क जाने पर अपने बैंक खातों को ब्लॉक कराते हैं। ईमेल चेक करें कि कहीं बैंक की ओर से कोई मैसेज तो नहीं आया है। टेलीकॉम कंपनी से संपर्क कर अपने सिम के नेटवर्क को लेकर जानकारी लें। कई मामलों में ठग कॉल कर ग्राहक से यूनिक पोर्टिंग कोड यानी UPC पूछते हैं। ऐसी कॉल आए तो अलर्ट हो जाएं। कई मामलों में UPC से जुड़ा संदिग्ध SMS आता है। ऐसे SMS को इग्नोर करें, क्योंकि जैसे ही आप SMS के लिंक पर क्लिक करते हैं, आपके सिम से जुड़ी जानकारी ठग के हाथ लग जाती है और यहीं पर ठगी का खेल हो जाता है। यानी आप स्मार्टफोन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको बेहद सचेत और स्मार्ट रहने की जरूरत है, ताकि कोई आपकी गाढ़ी कमाई में सेंधमारी न कर सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो देखा आपने कि किस तरह से आजकल फ्रॉड के नए नए तरीके इजाद किए जा रहे हैं, इसमें सचेत रहने की ज़रूरत है। लेकिन इन सब के बावजूद अक्सर होता है कि आपके खाते से पैसे निकल जाते हैं। तो ऐसे में आपके खाते से पैसे कट गए, आप फ्रॉड का शिकार हो गए, तो क्या करना है आपको बता रही है हमारी सहयोगी एकता सूरी। अगर आपके साथ कोई ऑनलाइन फ्रॉड हुआ है, कोई साइबर फ्रॉड हुआ है और किसी ने आपके अकाउंट में सेंध मारकर आपके पैसे ले लिए हैं, उड़ा लिए हैं आपके पैसे, तो जैसे ही आपको SMS आता है डेबिट का, उसके बाद आप तुरंत सतर्क हो जाएं, क्योंकि SMS आने के बाद अगले 3 घंटे जो है, साइबर क्राइम ब्रांच की माने तो उसे वो गोल्डन पीरियड कहते हैं। गोल्डन पीरियड इसलिए क्योंकि आपको आपके पैसे वापस मिल सकते हैं। यहाँ मैं बता दूँ कि मैं उन ऑनलाइन फ्रॉड्स की बात नहीं कर रही हूँ जहाँ पर आप अपना जो ATM पिन है या फिर जो OTP नंबर है आप खुद शेयर करते हैं। ऐसे फ्रॉड्स जैसे कि ATM क्लोनिंग वाले जो फ्रॉड्स होते हैं, कार्ड क्लोनिंग वाले फ्रॉड्स होते हैं, कि आपके पास आपका डेबिट कार्ड पड़ा है लेकिन कोई ATM से पैसे निकाल रहा है, ऐसे फ्रॉड्स जिसमें आपका कोई कसूर नहीं लेकिन फिर भी आपके पैसे आपके अकाउंट से गायब हो गए हैं, इन फ्रॉड्स का जैसे ही आपको मैसेज आए 3 घंटों के अंदर अंदर आप एक वेबसाइट पर लॉग इन कीजिए, और वो वेबसाइट है cybercrime.gov.in। इस वेबसाइट पर आप लॉग इन करेंगे, रिपोर्ट अदर साइबर क्राइम, फाइल अ कंप्लेन, आई एक्सेप्ट, और उसके बाद आपसे आपका लॉग इन आईडी और दूसरी डिटेल्स मांगी जाएंगी। लॉग इन आईडी अगर नहीं है तो आप नया क्रिएट कीजिए। ये बहुत ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी वेबसाइट है। इस पर जब आप अपनी कंप्लेन दर्ज करवाएंगे तो आपको एक ऑनलाइन कंप्लेन नंबर मिलेगा। दूसरा स्टेप होगा आपके लिए पुलिस स्टेशन जाना। पहला नहीं, दूसरा स्टेप होगा कि इस ऑनलाइन कंप्लेन नंबर के साथ आप पुलिस स्टेशन जाएंगे।
वहाँ पर आप अपनी कंप्लेन दर्ज करवाएंगे, उस कंप्लेन की कॉपी और ये ऑनलाइन कंप्लेन नंबर, इन दोनों के साथ आप बैंक जाएंगे। अगर सच में आपके साथ एक फ्रॉड हुआ है तो बैंक लायबल है अगले 7 दिन के अंदर अंदर केस सॉल्व करने के लिए। आप अगर विक्टिम हैं तो 7 दिन के अंदर अंदर आपको आपके पैसे वापस मिल सकते हैं। तो ये तो हुई फ्रॉड की बात, और पिछले दिनों यानी शुक्रवार को जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक थी जीएसटी काउंसिल में, उसमें कोई खास सहमति बनती नज़र नहीं आई। जी हाँ, और यही वजह थी कि जो जो जीएसटी स्लैब में बदलाव को लेकर अटकलें थी उन पर एक तरह से विराम लगा, क्योंकि इस मीटिंग में कोई सहमति बनती नज़र नहीं आई। आपको बता दें कि इस मुद्दे पर एक बार फिर जीएम की बैठक होगी। आज की जो बैठक रही शुक्रवार की, उसमें राजस्थान, बिहार, यूपी, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, गोवा और केरल सरकार के मंत्री मौजूद रहे। आपको बता दें 28 और 29 जून को श्रीनगर की जगह अब चंडीगढ़ में जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होगी। राज्य सरकार ने जीएसटी क्षतिपूर्ति की 5 साल की समय सीमा बढ़ाने की मांग कर रही है, लेकिन फिलहाल लास्ट मीटिंग में कोई फैसला नहीं हुआ है। तो ये था हमारा मॉनसून स्पेशल बुलेटिन, उम्मीद है आपको पसंद आया। हमने कोशिश यही की कि जब पूरे देश इस वक्त जी बिज़नेस को देख रहा है तो हम जी बिज़नेस के दर्शकों तक मॉनसून की वो तस्वीरें पहुंचाएं जो बिल्कुल लाइव हों। जी हाँ, लाइव तस्वीरें हमने आप तक पहुंचाईं, लाइव एंकरिंग की हमने यहीं बीच मॉनसून में, मॉनसून की इन हल्के ठंडे झोंकों के बीच में, झमाझम बारिश के बीच में। उम्मीद है आपको हमारा ये प्रयोग पसंद आया हो। देखते रहिए जी बिजनेस। नमस्कार।